हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है पासु किम पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पाल वर्ल्ड के अंदर मिल्क कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। जी हाँ, आपको पता होगा कि आपको ब्रीडिंग करने के लिए मिल्क और हनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप किसी भी पाल के लोकेशन को पता कर सकते हो। एंड स्पेशली मैं आपको आज मिल्क प्रोड्यूस करके भी दिखाऊंगा और आप देख सकते हो मेरा बेस कभी आपको पूरा दिखाऊंगा। चलो फटाफट पहले यहाँ से निकलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर आपको जाके काउ जो है वो देखने को मिलेगी और किस नाम से मिलेगी। तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ वगैरह। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ जितना भी अनलॉक है अभी मेरे में। ओके, तो आपको यहाँ पर आ जाना है स्टार्टिंग में। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको मेमोरिस्ट वाला मिलेगा। उसके बाद साइड में आपको चले आना है, ये तो वो वाला हो गया। और इसके साइड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा ओके गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप के अंदर आपको यहाँ पर एक नाम देखने को मिल जाएगा, रवीन एंट्रेंस। या रवीन एंट्रेंस के अंदर -69 -432 इसका कोऑर्डिनेट है और ये आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर सिंपली चले आना है। और उसके बाद जब आप यहाँ पर एंटर करोगे तो इस जगह का नाम बैम्बू ग्रूव करके। और ये देखिए हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं जैसे ही यहाँ पर आया मुझे यहाँ पर मजरीना देखने को मिल चुकी है। यही हमें मिल्क प्रोड्यूस करके देगी। तो फाइनली मैं इसको थोड़ा सा पहले, अबे मैं तुझे ज़्यादा मारना नहीं चाहता इसलिए नखरेबाजी मत कर। मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर अपने इसको हम कैप्चर कर लेंगे। और इसको ज़्यादा डैमेज नहीं देना है वरना मर जाएगी भाई, बहुत कम लेवल की है ये। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, इसको ज़्यादा नहीं मारना है वरना आप इसे जान से ही मार देंगे। और यहाँ पर आप जितनी चाहें उतनी काउ कैप्चर कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। मैं आपको मैप में एक बार फिर से लोकेशन दिखा देता हूँ। बिल्कुल आप जैसे ही यहाँ पर आएँगे वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगी। आपको मैं यहाँ पर ऐसे करके भी दिखा देता हूँ, सिंपली देख सकते हैं आप। अब चलते हैं बेस में और आपको दिखाते हैं कि आखिर आपको मिल्क बनाना कैसे है। तो सिंपली आपको आपको अपनी काऊ को जो है वो ऐड कर लेना है और एक रेंच बना लेना है। और इसमें जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिल्क प्रोड्यूस करती है ऐसे ही करके। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे फ्रीज़र में बहुत सारे मिल्क लगे होंगे। ओके, इसमें देखिए केक भी प्रोड्यूस हुआ है। और ऐसे करके आप जो है इसको रेंच में रख देंगे तो ये देखिए 49 मिल्क 168 हनी, इतना सब ये ऑटोमेटिक आपके लिए प्रोड्यूस होता रहेगा। हनी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि आप जब यहाँ पे जाओगे उसके बाद आप जिस भी पाल की लोकेशन देखना चाहते हो उस पर आप चले जाइए। यहाँ पे जैसे अभी मुझे मोजरीना की देखनी थी तो यहाँ पर ये देखिए, एक बार आप चेक भी कर सकते हो कि मैं सही लोकेशन में हूँ या नहीं, यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा। ऐसे करके आप हनी बी की भी लोकेशन देख सकते हो, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप इजीली उसको यहाँ पे आपको 50 नंबर पर बी ग्रेड नाम से हनी देख, मतलब बी ग्रेड नाम से देखने को मिलेगी जो आपको हनी प्रोड्यूस करके देगी। प्रोसेस सेम है, आपको जाना है इसके एरिया में, ये कुछ इसका एरिया है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे जाके भी दिखा दूँगा, इसको कैप्चर करके भी दिखा दूँगा। इसको लाना है और अपने जो है रेंच में रख देना है और ये ऑटोमेटिक आपको हनी प्रोड्यूस करके दे देगी। उसके बाद आपको दोनों चीज़ें ले जानी है और चले जाना है अपने, ओके और चले आना है अपनी फर्नेस के पास। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 3 केक जो हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो बस इतनी सिंपल सी प्रोसेस है। उसके बाद आपको ब्रीडिंग फार्म में आ जाना है और यहाँ पर अपना केक जो है रख देना है। और उसके बाद जिस भी पाल की आप ब्रीडिंग कराना चाहते हो वो उनको यहाँ पर ला के रख देना है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि अगले वीडियो में हम कौन से ऐसे पाल की ब्रीडिंग कराएँ जिससे हमें बहुत अच्छे अच्छे और ख़तरनाक लेवल के पाल प्रोड्यूस हो। तो मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच।